सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, राज्य मंत्री श्री विजय सांपला जी, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, गणमान्य अतिथिगण, जब हमारे सामाजिक न्याय मंत्री अपने मंत्रियों की बात कर रहे थे, ये वाकई में न केवल एक आदर्श है बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा भी है। इस देश के लिए प्रेरणा है, भारत सरकार के लिए प्रेरणा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी तक मेरी दृष्टि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया मंत्रियों का कि जिनके बारे में मैं ये कह सकूं कि कोई मद्यपान के कभी भी नज़दीक जाता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा था उनसे चलते चलते मंत्री जी से कि मैंने कहा अच्छा होता कि आप मुझे भी शामिल कर लेते अपनी टोली में। मित्रों, ये मद्यपान की जो लत है वो व्यक्ति को, समाज को और पूरे राष्ट्र को खोखला कर देती है। इसकी बात को, इसके महत्व को, मद्य निषेध के महत्व को जो समझ सके वो बहुत सौभाग्यशाली है। कुछ लोग ठोकर खा के संभलते हैं, कुछ लोग दूसरे से सीख लेकर समझते हैं, संभलते हैं, लेकिन जो समझ जाए, समझ ले और संभल जाए, वो बहुत, उसको मैं मानता हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान भी है और समझदार इंसान है। हम सब जानते हैं कि आज का दिवस पूरे विश्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती के कारण दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आज के दिन को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया गया था। यह पूरे विश्व समुदाय का इस समस्या के विरुद्ध एक सामूहिक संकल्प है और हम इसके महत्व को इस बात से समझ सकते हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस में इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं तो उसका एक बहुत विशेष महत्व होता है। अर्थात पूरे विश्व में मद्य पान के जो बुरे नतीजे होते हैं उनको सभी ने देखा है, सभी ने उसके दुष्परिणामों को सहा है, तब इसके बाद में सभी देश वहाँ पर एक राय उनकी बनती है और इसके विरोध में वो खड़े होकर के एक दिवस को सेलिब्रेट करने का एक निर्णय लेते हैं। भारत की आबादी और भौगोलिक स्थिति के कारण इस विश्व संकल्प में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत में मद्यपान तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं। आज पुरस्कार पाने वाले सभी व्यक्ति तथा संस्थाएं एंटी ड्रग मूवमेंट में हमारे एम्बेसडर हैं। जिनको पुरस्कार मिला है वही केवल एम्बेसडर नहीं है, बधाई के पात्र आप सभी लोग भी हैं। इसलिए क्योंकि इस मद्यपान निषेध का जो एक मूवमेंट चल रहा है उसमें भी आप अपनी भागीदारी दिखाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
इसलिए मैं आप सबकी भूमिका को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना कि जिन लोगों को पुरस्कार मिला है। अंतर केवल यही है कि आप लोग मद्यपान निषेध अपने तक सीमित रखते होंगे, लेकिन जिनको पुरस्कार मिला है वो शायद आगे बढ़ चढ़ कर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसी संबंध में जब पुरस्कार का वितरण हो रहा था तो मुझे एक स्मरण आया, बिहार की बात आई। बिहार का मैं उन दिनों वर्ष 2016 में राज्यपाल था। एक ऐतिहासिक कदम, नीतीश जी की सरकार थी, आज भी है, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया और पूरे बिहार में पूर्ण नशाबंदी का एक कानून लाए। कानून विधानसभा में, विधान परिषद में पास हो गया, जब राज्यपाल के पास आया उसमें उसका समर्थन करने वाले, ऐसा लगा कि केवल जो विधानसभा और विधान परिषद में है वही लोग हैं, पूरा बिहार जो है, पूरा बिहार अर्थात अधिकांश बिहार के लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। और एक लॉबी थी, वो लॉबी काम कर रही थी, लॉबी के माध्यम से बहुत सारी संस्थाएं आ गईं और कई उसके उदाहरण दिए गए कि इससे लोगों की रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा, इससे विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग इन कामों में लगे हुए हैं उनके बारे में कहा गया, उनकी दुहाई दी गई कि उनकी रोजी रोटी पर आप लात मारने जा रहे हैं, इस कानून को अपने आपका जो एसेंट है, सहमति है, अनुमति है, मत दीजिए। तमाम प्रकार के प्रतिनिधि मंडल मिले और यहाँ तक कि कुछ चोरी छिपे कुछ हमें बाद में विधायकगण भी मिले और उन्होंने भी कहा कि साहब इसको मत दीजिए, ये तो जो है वो विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो ताड़ी का व्यापार करते हैं, जो दूसरे प्रकार का व्यापार करते हैं, कच्ची शराब का करते, उन सब लोगों की रोजी रोटी पर आप लात मारेंगे, ये आपके हाथ में। मैं भी एक बड़े धर्म संकट में, मैं मान के चलता था कि इसका शायद समर्थन मिलेगा, लेकिन उस जब धर्म संकट मैंने देखा तो मैं भी कुछ समय के लिए शांत हुआ। मैंने उसमें कानूनी राय लेना शुरू की। कानूनी राय जो वहाँ के लोग थे, हमारे विधि वेत्ता, उनकी राय भी कुछ जैसी हम चाहते थे, चाहने का मतलब कानून सम्मत हो, वो राय हमें नहीं मिली। उसके लिए हम फिर यहाँ तक भारत सरकार के भी कुछ मित्रों से जिनसे संबंध थे, हमारे विधि लॉ ऑफिसर्स थे, उन लोगों से संपर्क किया, राय ली, और राय जब आई तो मिली जुली राय आई। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये कानून विधि सम्मत है, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये विधि सम्मत नहीं है। अंततो गत्वा एक जब मैंने निर्णय लिया कि नहीं, ये विधि सम्मत है और हम इसको अनुमति देते हैं, तो उस समय मुझे भी लगा कि शायद मैंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन बाद में बहुत सारी संस्थाओं के झुंड यदि हम कहें तो लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब आपने बिहार के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के लिए सहमति दी आपने, क्योंकि उस समय पूरे देश में एक ही केवल राज्य है, गुजरात राज्य, जहां पर पूर्ण नशाबंदी है। बिहार दूसरा राज्य बन गया, दूसरे राज्यों में है निषेध, है थोड़ा बहुत, है रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन पूरे पूरे तौर पर केवल गुजरात में था, अब बिहार बन गया। मित्रों, आज के जो पुरस्कारों से इस मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और मेडिकल समस्या की गंभीरता और विस्तार का जायजा मिलता है। हमने आज की फिल्म में भी ये देखा कि इस समस्या के उदाहरण गोवा से उड़ीसा तक और पंजाब से केरल तक फैले हुए। पंजाब, इस पिक्चर में हमने देखा था एक कोटा का उदाहरण। कोटा को कहा जाता है कोचिंग सेंटर, पूरे देश भर के बच्चे वहाँ जाते हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग के नाम पर बहुत बड़ा सेंटर है।
और वो बच्चे कहीं ना कहीं इस मद्यपान के लत में भी फंस जाते हैं, और उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको, आपके अतिरिक्त जितने भी पुरस्कार विजेता हैं, सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये पुरस्कार आपका अंतिम पुरस्कार ना बने, इसका ध्यान रखिएगा, अर्थात आपको आगे ही आगे बढ़ना है। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी संस्थाओं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, शोध संस्थानों, जागरूकता बढ़ाने में तत्पर संस्थाओं तथा व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देने वाले विशेषज्ञों और सामान्य नागरिकों को इस भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मैं सराहना करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जब माननीय थावरचंद गहलोत जी ने कहा कि उनके मंत्रालय के माध्यम से अभी तक लगभग 4.5 लाख लोग नशा मुक्त हुए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। देवी और सज्जनों, विश्व इतिहास में दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वहाँ नशीले पौधों की खेती कराने तथा वहाँ के समाज में नशा करने वालों की तादाद बढ़ाने के अप्रिय उदाहरण मिलते हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग माफिया के दुष्प्रभाव के बारे में पूरा विश्व समुदाय चिंतित रहता है। मादक पदार्थ पैदा करने वाले म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के गोल्डन ट्रायंगल और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के गोल्डन क्रिसेंट कहे जाने वाले क्षेत्रों के बीच भारत की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे लिए ये समस्या और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है और गोल्डन क्रिसेंट, ये सभी देश इंडिया के आसपास ही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी के कारण इनके दुरुपयोग में बढ़ोतरी के साथ साथ आतंकवाद और राजनीतिक अशांति की समस्याएं भी जुड़ी हैं। इसीलिए पंजाब और मणिपुर जैसे सीमावर्ती राज्यों में और भी अधिक सतर्कता और निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। हमारे पंजाब की एक डॉक्टर बहन थी, उनको मिला पुरस्कार। इसी तरीके से उड़ीसा के हमारे दो ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच, उन्होंने जो मुहिम चला रखी है, उनको पुरस्कार मिला। नशीले पदार्थों और शराब के व्यसन की समस्या व्यक्ति, परिवार और समाज को स्वास्थ्य, संस्कृति, विकास और राजनीति सहित अनेक क्षेत्रों में प्रभावित करती है। ये समस्या गरीबी को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के मानवीय संसाधनों और लोक कल्याण के लिए एक चुनौती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। इस समस्या का सामना करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस तथा राष्ट्रीय अधिनियम एवं नीतियाँ लागू हैं, परंतु प्रभावी समाधान के लिए समाज और समुदायों की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। समाज की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने में आज के इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की विशेष भूमिका है। अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग से स्वास्थ्य की भारी चुनौतियां पैदा हो रही हैं, खासकर युवा पीढ़ी और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर इस खतरे का अधिक बुरा असर पड़ता है। अक्सर युवाओं तथा बच्चों द्वारा साथियों के दबाव में अवैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग शुरू किया जाता है। प्रायः ऐसे युवाओं में इन पदार्थों से होने वाली हानि के बारे में जागरूकता भी नहीं होती है। सामाजिक और आर्थिक वातावरण में हो रहे निरंतर बदलाव तथा हर क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण युवा वर्ग में मनोरोगियों की संख्या भी बढ़ी है और मादक पदार्थों तथा मद्यपान का प्रचलन भी। इसीलिए इस समस्या के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समाधान उतने ही जरूरी हैं जितने कानून और चिकित्सा के द्वारा किए जाने वाले उपाय। नशाग्रस्त युवाओं की प्रभावी नशा मुक्ति के लिए उन्हें सार्थक रूप से रोजगार युक्त बनाकर समाज के साथ जोड़ने की जरूरत है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या को जागरूकता,
रोकथाम की जानकारी प्रोत्साहन तथा समर्थन के प्रयासों से हल किया जा सकता है। इन प्रयासों में नशा प्रभावित लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति भी आवश्यक है। माता पिता, शिक्षकों, चिकित्सकों, स्थानीय और स्वैच्छिक संस्थाओं के लोगों को ट्रेनिंग देकर चिकित्सा और पुनर्वास के प्रयासों में बड़े पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों में NSS और स्पेक मैकी जैसी संस्थाओं का सहयोग लिया गया है। रेडियो पर भी एक शिक्षाप्रद और प्रेरक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। लगभग 400 नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चलाए जा रहे हैं और भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इन सभी प्रयासों के लिए भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रशंसा करता हूँ। इन प्रयासों को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे बताया गया है कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या के प्रामाणिक आकलन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण पर काम चल रहा है। इससे प्राप्त होने वाले परिणामों से हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक स्पष्ट फोकस के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मद्यपान विनाश का द्वार हो। मद्यपान परिवार में एक बच्चा हो, व्यक्ति हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी यदि प्रारंभ कर देता है तो आप समझ लीजिए कि वो परिवार विनाश के द्वार पर पहुंच गया। और यदि उसके विपरीत यदि आप मद्यपान निषेध का पालन करते हैं, अर्थात मद्यपान के जितने भी आदतें हैं उनसे दूर रहते हैं और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनकी उनको समझाते हैं, उनसे बुझाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका न केवल आपका विकास, व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास और पूरे राष्ट्र के विकास के लिए आप अप्रत्यक्ष रूप से एक काम करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आज मादक पदार्थों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करने के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, वो केवल भाषण सुनने के लिए नहीं, या फिर मंत्रालय ने मुझे आमंत्रित किया है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम अपनी भागीदारी, जो एक आंदोलन चल रहा है मादक पदार्थों के विरोध में, उस आंदोलन में हम किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, और आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज का जो अवसर है उस पर हम लोग एक संकल्प भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकल्प ले रहे हैं। यहाँ संकल्प कोई दिला नहीं रहा है, लेकिन आप मन में अपने संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, ये काम अच्छा है, इस काम को हमें भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। लेकिन संकल्प दो प्रकार के होते हैं। एक संकल्प मन से होता है, एक संकल्प मात्र ऊपर से होता है। अब ये आपको चुनना है। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि ऐसा संकल्प लें आप अपने मन से, किसी के कहने से नहीं। ये संकल्प के माध्यम से मैं कहता हूँ कि आपकी श्रेणी, मेरी दृष्टि में ये मैं कहता हूँ और लोगों के लिए भी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं उससे अधिक आकर के यदि हम आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं तो उसको मैं कहता हूँ कि आप इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी को बल मिलेगा। ऐसे प्रयासों और बेहतर भागीदारी के बल पर हम मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। और ये सपना केवल न मेरा है, न केवल आपका, ये बरसों से यही परंपरा चली आ रही।
गांधी जी तो इसके लिए बहुत उन्होंने अपने पूरा जीवन जीवन लगा दिया था, नशा मुक्ति अभियान, कई अभियान चलाए। डॉक्टर अंबेडकर की हम बात करें और डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रकार के मूवमेंट को वो जितना इसके बारे में कहते थे मद्यपान के विरोध में, सबसे अधिक वो कहते थे। लेकिन उसका प्रचार प्रसार इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो जिन वर्गों के बीच में कहते थे वहाँ पर प्रचार प्रसार करने वाला उनका कोई नहीं था। गांधी जी जो प्रचार प्रसार करते थे तो वो पूरे समाज में करते थे, इसलिए वहाँ पर मीडिया और सब चीज़ें आती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हुए, बहुत सारे इस देश के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस दिशा में बहुत बहुत दुर्लभ काम किया। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस मंत्रालय द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसको बढ़ चढ़ करके कहीं न कहीं, और मुझे लगता है कि उसकी कसौटी ये और होगी, मैं मंत्रालय को ही कहूँगा कि आपकी थावरचंद जी कसौटी ये होगी कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो यदि अगले 2-3 महीने में आपसे संपर्क करें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपनी भूमिका यदि तय करना चाहें, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आज का जो कार्यक्रम है वो आपका 100% सफल हो गया। धन्यवाद।